अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो जनाब आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज का व्लॉग जो है ना, ये जो है ना बड़ा ही मेरा हैक्टिक डे था, बहुत हैक्टिक डे था। इसमें मैंने बड़े सारे काम किए थे और मैं बहुत कुछ हुआ ये था। मैंने आप लोगों को जैसे पहले भी बताया, मेरे जो रेगुलर व्लॉग देखने वाले हैं उनको पता होगा कि मेरी वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई है। अच्छा, उसमें करना ये है कि मेरी वॉशिंग मशीन जो है वो डॉलेंस की है, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, वो ख़राब हो गई है। और उसके लिए मुझे डॉलेंस वालों को कॉल करनी है, कॉल करके बुलाना है कि भाई आके मेरी मशीन देख जाओ, क्योंकि वो चल रही है, उसकी मोटर चल रही है, मोटर ख़राब नहीं है। कुछ टाइम पहले उसकी मोटर जल गई थी, तो मैंने 12,000 खर्च करके उसकी मोटर जो है ना वो चेंज करवाई थी जब मैं पहले घर में थी। अच्छा, एक साल हो गया मुझे यहाँ मूव हुए हुए, और जो है ना मशीन जो है बीच में ऑन एंड ऑफ ये होता है कि मशीन बंद हो जाती है, रुक जाती है, फिर चलने लग जाती है, फिर अपने आप चलने लग जाती है, फिर रुक जाती है। तो ये चीज़ चल रही थी, अब कम्प्लीटली बिल्कुल बंद हो गई है। अच्छा, ये है कि मोटर चल रही है उसकी, आई डोंट नो व्हाट इज़ द इशू, लेकिन हाँ कि वो ख़राब हो गई। तो मैंने आपको दिखाया था कि मैंने पुरानी अम्मी की मशीन निकाली और उसको यूज़ कर रही हूँ। तो अब सीन ये है कि और बिल्कुल मुझे अब तक टाइम नहीं मिल रहा। मेरे हस्बैंड कहने लगे कि क्या हुआ, तुमने अभी तक कॉल नहीं करी? मैंने कहा नहीं करी। तो कहने लगे ठीक है फिर बुक तो तो ये दोनों वॉशिंग मशीन मैंने यहाँ रख ली है। ये मेरी पहले वाली है और ये जो है ना ये है, पहले बाथरूम में रखी थी, लेकिन ऑब्वियसली फिर बाथरूम में यूज़ करने के लिए, टॉयलेट यूज़ करने के लिए इशूज़ आ रहे थे, तो मैंने यहाँ लगा लिया। अब ये हो रहा है कि किचन में सारे काम चल रहे हैं, साथ में कपड़े भी धुल रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कपड़े धुल रहे हैं साथ साथ। और जो है ना, मैंने कहा कि मैं दस्तरखान भी सारे जो है ना वो पका लेती हूँ। दस्तरखान बहुत गंदे हो गए थे, मैं इसी तरीके से करती हूँ कि उसको पानी जो है ना पतीले में गर्म किया, उसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट डाला और ये दस्तरखान या जिसे रोटी के रुमाल आप कहते हैं ना, वो आप जिन्हें जो उसमें डाल दिए और उसको पकाया थोड़ी देर। यकीन करें इतना स्टिकी सा येलो सा गंद उसमें से निकलता है ना, उसके बाद वो बिल्कुल आप बस नॉर्मली टैप वाटर में उसको धो लें, बिल्कुल साफ़ सुथरा सा हो गया, ज़बरदस्त हो जाता है। साथ साथ कपड़े भी धुल रहे थे। अच्छा जनाब, ये जो है ना मेरी 8 ईयर की बेटी है और ये जो है ना मेरे मेहंदी लगा रही है फ़र्स्ट टाइम। मैंने कहा चलो लोग लगाओ, मैं क्लिप अपनी वीडियो में ऐड करूँगी कि उन्होंने फ़र्स्ट टाइम अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है, मेरे हाथ में मेहंदी लगाई है। तो खैर जनाब, ये तो ये मेहंदी लगा रही है। साथ में मैं आपको भी बता दूँ कि जो है ना वॉशिंग मशीन जो है ये मैनुअल वाली है, ये ऑटोमेटिक नहीं है। तो इसमें सीन ये होता है कि मुझे ये तरकीब भी अम्मी ने सिखाई है कि ऐसा करो कि इसके अंदर पहले कपड़े धो, एक फ़र्स्ट राउंड लगा लिया, इससे आपने 3 या 4 राउंड आपके कपड़ों के, तो आपने डिटर्जेंट डाला और उसको उसमें से निकाल निकाल के आप बकेट में रखते गए। उसके बाद आपने क्या किया कि उसी वॉशिंग मशीन में आपने थोड़ा सा पानी डाला और फिर आपने फ़र्स्ट राउंड डाला, सेकंड राउंड डाला, थर्ड राउंड डाला, फिर आपने वो पानी ड्रेन कर दिया, फिर पानी फिल किया, फिर आपने 3 राउंड्स किए, फिर आपने किए, तो वो 3 बार हमें तो कपड़े धोने होते ना ताकि कपड़े जो हैं वो पाक हो जाएँ। ठीक है जनाब, तो फिर मैंने क्या किया कि इसी तरीके से करके अपने सारे कपड़े धोए, तो मेरे 4 राउंड्स थे तो वो सारे ख़त्म हो गए। उसके बाद मैंने वो फैला दिए, सुकून हो गया। लेकिन बहुत मैं थक जाती हूँ और यकीन करें, यकीन करें, मेरे हाथों में छाले बन गए थे। मुझे बिल्कुल आदत नहीं है कपड़े धोने की, हाथों से मैं हैरान होती हूँ। औरतें जो लिटरली हाथों से कपड़े धोती हैं, मैं तो फिर वॉशिंग मशीन में ही घुमा घुमा के धो रही हूँ, लेकिन वो औरतें जो हाथों से धोती हैं, सलाम है उनको मेरी तरफ से, बहुत मुश्किल काम है। और मेरे लिए दुआ करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में इनक्रेज करिएगा, मैं कॉल करूँ डॉलेंस वालों को, वो आगे मेरी मशीन रिपेयर करे, उसको फिक्स कर दें, तो फिर जो है ना मेरी लाइफ में थोड़ी सी आसानी हो जाए। खैर जनाब, ये सारे काम तो चल रहे थे, साथ साथ घर की सफाइयाँ, बच्चों की पढ़ाई चल रही थी क्योंकि बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, और साथ में बना रही हूँ मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जिसको आप लोगों के साथ शेयर करना तो बनता है। क्यों जनाब, बनता है कि नहीं बनता है, मुझे पहले ये बताएं आप लोग। तो खैर जी, मैं बनाने लगी थी मंदी, मैंने क्या किया कि उसका भी आप लोग देखें कि आप लोग को बड़ी ज़बरदस्ती मैं टिप दूँगी जो आपके लिए ना बड़ी हेल्पफुल रहने वाली है। मैंने क्या किया कि ऑब्वियसली मंदी बनाना एक इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, क्योंकि आपने चिकन अलग बनानी होती है, राइस अलग बनाने होते हैं। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ कि मैंने लंच टाइम पे ना राइस प्रिपेयर कर लिए थे, ठीक है, ताकि दोपहर में राइस खा लिए जाए, और साथ में मैंने कबाब फ्राई कर लिए थे, ठीक है। अब मैं जो है राइस बना रही हूँ, पुलाव बिरयानी मसाला, ये मैंने थोड़ा सा बचा था मैंने थोड़ा ये डाला, थोड़ा सा सिंधी बिरयानी का बचा था मसाला मैंने वो डाला, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या किया। सबसे पहले मैंने पैन में ऑयल लिया, ऑयल के अंदर मैंने थोड़ा सा ये देखिए प्याज ली, उसको अच्छे से फ्राई किया है, हरी मिर्चें डाली हैं, ज़ीरा डाला है, ठीक है, खूब अच्छे से इसको फ्राई किया। पुलाव बिरयानी मसाला था मैंने वो डाल दिया 1 चम्मच, बस इतना ही बचा था। उसके बाद जो सिंधी बिरयानी मसाला वो भी 1 चम्मच बचा था, मैंने वो भी इसके अंदर डाल दिया।
ठीक है वैसे तो, और साथ में थोड़ा सा मैंने हल्दी डाल दी, क्योंकि मंदी का जो राइस होता है वो येलो येलो कलर का होता है और उसके अंदर कुछ किशमिश बादाम मल्ला जाने के डलता है, लेकिन मैंने उस चीज़ को फॉलो नहीं किया क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो टेस्टी नहीं होगा। मुझे लगता है कि राइस इस मेथड से बहुत टेस्टी बनेगा तो राइस जो होता है वो खा लिया जाता है, क्योंकि मुझे इसमें यहाँ पे दो तरीके के काम करने थे। अब मैं यही करती हूँ, अपनी रेसिपीज़ जो भी कोई होती है उसको एग्जैक्टली फॉलो करने की जगह, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी फैमिली जो है ना इस तरीके से अगर फ्लेवर वाले राइस नहीं खाएंगी, तो मैंने ये किया कि इस राइस को इस तरीके से फ्लेवरफुल बना लिया। फिर उसमें मैंने थोड़ी सी मसाले अच्छे से भून भान के थोड़ी सी दही डाली, उसको खूब अच्छे से भूना और उसके अंदर राइस डाल के उसको दम लगा दिया। तो ये जो है ना येलो कलर के आपके बहुत ही मज़ेदार से समझे कि राइस जो है ना वो तैयार हो जाएंगे, ठीक है। और राइस जो है ना वो आजकल जब गर्मी है, तो आप लोगों ने नोट भी किया होगा कि मेरी वीडियो में आपको राइस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली गर्मी है तो गर्मियों में तो फिर राइस ही बनते हैं ना, राइस ही खाए जाते हैं ज़्यादातर तो, और बच्चे शौक से भी खा लेते हैं और हस्बैंड भी बहुत शौक से खा लेते हैं। तो कहीं वैसे नॉर्मली सर्दियों में दिल करता है आप रोटियां खाओ चपातियां खाओ, लेकिन जो है ना गर्मी में जो है ना चावल खाने का मज़ा ही अपना ही होता है, साथ में अचार हो चटनियां हो सलाद हो तो बस मज़ा ही आ जाता है, दिल करता है खाते ही जाओ खाते ही जाओ, और सारी भूख जो होती है ना वो आ जाती है। खैर जनाब, ये हमारे जो चावल थे ये हमारे तैयार हो गए, मैंने लंच टाइम में इस तरीके से कर लिया। अब मुझे क्या करना है कि डिनर में भी करना है, मैंने चावल बना लिए थे ज़्यादा इतने कि हम लंच भी कर लें और डिनर भी कर लें। अच्छा, हस्बैंड तो ऑब्वियसली लंच में घर पे नहीं होते, बस बच्चे ही होते हैं, तो बच्चे और मैंने ये येलो राइस जो थे ये बनाए और ये खा लिया। अब ये तो पतीली थोड़ी सी ठंडी हो गई, तो मैं हाथ में उठा के आपको दिखाऊंगी, कलर इसका इतना अच्छा नहीं आ रहा इस एंगल पे, अब मैं ये पतीली आपको दूसरी तरफ ले जाके दिखाऊंगी तो फिर इसका आपको कलर नज़र आएगा और आपको ये भी पता लगेगा कि हाय अल्लाह इतनी गर्म पतीली उठा ली। नहीं जी गर्म नहीं थी, ठंडी हो गई थी, क्योंकि जब मुझे याद आना कहो माई गॉड सब खा पी के फारे हो गए, लेकिन मैंने वीडियो ही नहीं बनाई कि इसको फाइनल रिजल्ट तो दिखा दूं, तो फिर मैंने ये बनाई है, देखा था आपने कितना अच्छा आ रहा था। अब हम बना रहे हैं इसकी चिकन, ठीक है जी, मंदी की हम बना रहे हैं चिकन। तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें हमने ली हैं, आप लोग देख सकते हैं, तेज़पात है, जावित्री पाउडर लिया है एक टीस्पून, अच्छा जी ये हमने ले लिए थे, लौंगी ले ली थी, ज़ीरा ले लिया था, साबित धनिया ले लिया था हमने, नींबू ले लिया था, सिनेमन स्टिक्स ले ली थी, लाल मिर्ची पाउडर ले लिया था, काली मिर्ची ले ली थी और लहसुन अदरक ले ली थी, ठीक है। और एक जो इन सारी चीज़ों के अलावा थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ थी वो जावित्री पाउडर था, ठीक है, एक टीस्पून मैंने वो लिया था। क्वांटिटी जो है एक एक टीस्पून सारी चीज़ें हैं, धनिया और ज़ीरा पाउडर मैंने एक टीस्पून से ज़्यादा लिया है, क्योंकि ऑब्वियसली वो फ्लेवर इन्हांस करता है। अच्छा जनाब, पे मैंने चिकन ले ली, मैंने चिकन जो थी मेरे पास जो नॉर्मल चिकन घर में आती है ना, नॉर्मल खाने वाले वाली कटिंग वाली कढ़ाई कट वाली, मैंने वही ले ली थी, उसी को मैं मंदी फ्लेवर से बनाने लगी हूँ। आप लोग चाहें तो होल साबित चिकन ले सकते हैं, अगर आप लोग चाहें तो उसके लेग पीसेस कटवा के वो ले सकते हैं, जिस तरह से भी आपको अच्छी लगती है। मुझे तो भाई ये होता है कि यार जो चीज़ घर में अवेलेबल है ना उसको यूटिलाइज़ कर लो, बजाय इसके कि आप थोड़े से शशके निकालो नखरे करो कि यार ये आएगा तो ये बनेगा, तो वो वाला नहीं है भाई, अपना वो नेचर बिल्कुल भी नहीं है, कि नखरे वाला नेचर है ही नहीं ना बंदी का। तो बस ये है कि जो है आपने अच्छा खाना बना के खिला देना है फैमिली को, साथ में आपने दो चम्मच ऑयल भी डालना है इसके अंदर, उसको खूब अच्छे से आपने जो है ना ये देखे, मैं खूब इसको हाथ से मिक्स करूँगी क्योंकि ऑब्वियसली चमचे से वो चिकन के ऊपर अच्छे से लग नहीं रहा था, तो मैंने खूब उसको हाथों के साथ रब कर करके जो है ना मज़ेदार सा उसको मैरिनेट कर दिया था। आप यकीन करें इतने मज़े के राइस बने थे। राइस मैंने दोपहर में बना ली थी जिस तरह मैंने आपको बताया, चिकन जो है वो मैंने रात में बना ली थी, साथ साथ में बच्चों को पढ़ा रही थी, इनके फाइनल एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं तो पढ़ाई का बर्डन आपको पता है कि बहुत होता है बच्चों के स्कूल में, ये होता है कि साथ साथ में रीइंफोर्समेंट शीट्स बहुत ज़्यादा मिलती हैं इनको, कि आप जो है ना होमवर्क जो क्या बोलूँ मैं, ऑनलाइन भी होमवर्क आता है इनका और रीइंफोर्समेंट शीट्स जो होती हैं वो काफ़ी इनको मिलती हैं, जैसे कि टीचर जो है ना खुद ही उनको पढ़ा रही होती हैं, खुद ही उनकी प्रैक्टिस करवा रही होती हैं, खुद ही उनके टेस्ट ले रही होती हैं रूटीन में, और वो सारे के सारे सरप्राइज होते हैं, यानी कि ऐसा नहीं होता कि वो हमें बता दें कि हम ये टेस्ट लेंगे, वो ऐसा कुछ भी नहीं होता, बस वो एक सरप्राइज़ ही होता है। तो वो साथ में चल रहे थे और साथ साथ ये आप लोग देख सकते हैं कि राइस है और ये चिकन जो है, ये जो है नॉर्मली वैसे तो स्टीम की जाती है, मैंने सोचा कि स्टीम करूं तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मैंने सोचा मैं एयर फ्रायर करूं, मैंने कहा छोड़ो यार हटाओ सावन की घटा, इसको बनाती हूँ पतीली में, क्योंकि टाइम नहीं था, मैं बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते इतनी देर हो गई थी कि मैंने अगर इसको कुछ भी और मैं शशका करने लग जाती ना तो फिर मुझे बहुत देर हो जाती है। मैंने इसको पतीली में डाला, उसमें मैंने पानी डाला और इसको मैंने पका लिया, और ये देखें बड़ी जल्दी कुक हो गया था। मैरिनेशन का टाइम बस जनाब 15 से 20 मिनट है, मैंने 15 से 20 मिनट की मैरिनेशन की थी और उसके बाद मैंने इसको इसके ऊपर रख दिया।
और उसके बाद उसका कोयले की आप धुनी लगा दें। ठीक है जनाब, बहुत मज़ेदार मज़ेदार यमी, टू मच यमी राइस बने थे। बहुत मज़े से खाए सबने, बहुत शौक से खाए सबने। और हस्बैंड कहने लगे, एक सेकंड में ज़रा जाके ना डाइट सेवन अप लेके आता हूँ, फिर हम जो है ना पार्टी करेंगे। मैंने कहा हाँ हाँ, मेरे लिए भी लाना। तो बस ये हुआ कि उसके बाद जो है ना डाइट सेवन अप आ गए और हमने खूब मज़ेदार सी पार्टी की और खाए हमारी मज़ेदार सी मंदी। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना मंदी मेरे स्टाइल में। आप लोग को उम्मीद करूंगी कि आपको पसंद आया, डेफिनेटली पसंद आएगी। बहुत चटपटे से राइस बने थे, बहुत ही चटपटी से ये चिकन तैयार हुई थी। और आपने ज़रूर ट्राई करना है, मुझे बताना है कि आपको ये कैसी लगी थी। इंस्टाग्राम पे ज़रूर मुझे भेजिएगा आप तस्वीर, तो मैं अपनी स्टोरी में ज़रूर शेयर करूंगी कि ये कैसी बनी थी रेसिपी। ठीक है जनाब, ये है हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करूंगी कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में बताइए कि मज़ीद क्या चीज़ देखना चाहते हैं और क्या क्या आपके क्वेश्चंस हैं। हाँ, एक सब्सक्राइबर का क्वेश्चन आया था अबाउट किड्स रूटीन एंड जो है बच्चे मेरे कहाँ पे और क्या क्या करते हैं और क्या क्या उनकी फीसेज हैं बच्चों की समर एक्टिविटीज़ वगैरह से रिलेटेड। तो इंशाल्लाह ताला वो मैं आपके साथ ज़रूर नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। चलें जरा मिलते हैं किसी और अच्छे से मज़ेदार से व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।